हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एके में। रिसेंटली मैंने एक नया कोर्स चालू किया था जिसमें मैं आपको सविन सिंह राइटर की फिजिकल ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज कवर कराने वाला था, और अभी तक हम आप सबका चैप्टर 2 ओरिजिन ऑफ अर्थ में प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस तक कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उनको एक बार जाके देख लेना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जब तक आप टॉपिक को एक साथ लेके नहीं पढ़ते हो, एक साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ते हो, तब तक ना उन टॉपिक को आपको पढ़ने में मज़ा आता है और ना टॉपिक वो आपको समझ में आती हैं। तो बस इतना यार, शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन, ये जो आपकी हाइपोथेसिस थी ये प्रपॉन्ड किया गया था बेसिकली जेम्स जीन द्वारा 1919 में, और इसे मॉडिफाई किया गया था हैरोल्ड जेफरी द्वारा 1929 में। जो जेम्स जीन ने अपनी निकाली थी हाइपोथेसिस वो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, और हैरोल्ड जेफरी जो मॉडिफाई किया था वो बेसिकली उन्होंने ट्राई हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। प्लस इन्होंने जो प्रेजेंट की थी कॉन्सेप्ट, ये आपकी बेसिकली कोलिजन हाइपोथेसिस के नाम से प्रेजेंट की थी, मॉडिफाइड वर्जन वाली। ठीक, अब हम आते हैं बेसिकली इस हाइपोथेसिस के ऊपर कि क्या कहती है ये। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस आवर सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म फ्रॉम टू बॉडीज, एक था आपका प्रीमिटिव सन और एक का था वहाँ पर प्रीमिटिव सन, एक था आपका इंक्लूडिंग स्टार। ठीक, जो आपका प्रीमिटिव सन था वो आपका क्या बोलते हैं, बहुत ही गर्म था, प्लस आपका एक गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट था और वो एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। ठीक, और जो आपका इंक्लूडिंग स्टार था वो साइज में बड़ा था आपके प्रीमिटिव सन से, और वो एक ऐसे पाथ पे मूव कर रहा था कि वो पहले से डेस्टिन था कि क्या बोलते हैं आपका, वो आपके प्रिमिटिव सन के करीब से होके गुजरेगा। और बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग दिस न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द टू बॉडी एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जब जो उनके बीच का प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द इंक्लूडिंग स्टार एंड प्रिमिटिव सन जो है वो बढ़ जाएगा जब मतलब जब उनके बीच का प्रोडक्ट ऑफ मास का जो आपका अगर हाई होगा तो उनके जो अमाउंट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो भी हाई होगा, और इसी का वाइस वर्सा यानी इसी का उल्टा, जब उनके प्रोडक्ट ऑफ मास जो होगा वो कम होगा तो उनके जो बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा। ठीक, इन सिंपल वर्ड इट ऑल्सो मीन्स दैट इफ द मासेज ऑफ द इंक्लूडिंग स्टार इज हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय इट विल ऑल्सो बी हाई, यानी अगर इंक्लूडिंग स्टार का मास जो होगा वो प्रिमिटिव सन से ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा रैदर देन प्रिमिटिव सन के। ठीक, इट ऑल्सो मीन्स दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंक्लूडिंग स्टार एंड प्रिमिटिव सन जो होगा अगर वो घटेगा, यानी प्रिमिटिव सन और इंक्लूडिंग स्टार के बीच का अगर डिस्टेंस अगर कम होगा तो उनका जो अमाउंट ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, और इसी का वाइस वर्सा यानी इसी का उल्टा। इस कहानी का कहने का मतलब क्या होगा अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है भैया ये कई लोग को पहले से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े थे उनके लिए बेसिकली इसको ऐड किया गया था। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ फिलामेंट, आखिर हम जानते हैं फिलामेंट, अभी आगे बताऊँगा फिलामेंट का मतलब क्या हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इंक्लूडिंग स्टार जो था आपका वो कंटिन्यूसली मूविंग अलॉन्ग सच अ पाथ कि वो आपके नज़दीक आता प्रिमिटिव सन के, और थस एग्जर्टेड ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सर्फेस ऑफ द प्रिमिटिव सन। ठीक, तो जब आपका जो इंक्लूडिंग स्टार था वो जब आपके प्रिमिटिव सन के करीब आया तो उनके बीच मतलब सबसे करीब आया, करीब नहीं सबसे जब करीब आया तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे मैं पहले बता चुका न्यूटन वाले में, जब उस उनके पीछे का डिस्टेंस जब कम होता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, तो वही वो जब एकदम कम डिस्टेंस जो उनके बीच में सबसे कम वाला नज़दीक पॉइंट पे आया तो उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो मैक्सिमम हो गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक आपका उसका एक जाइंट शेप जाइंट सिगार शेप टाइट जो था आपका थाउजेंड ऑफ किलोमीटर इन लेंथ का था क्रिएट हो गया था उसके आउटर सरफेस से, प्रिमिटिव सन के आउटर सरफेस पे, और अल्टीमेटली ह्यूज मास ऑफ मैटर इन सिगार शेप वॉज इजेक्टेड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन, यानी जो उसके सरफेस पे आउटर सरफेस से बना था सिगार शेप में वो बाद में जाके इजेक्ट हो गया था उससे। जेन जीन कॉल्ड दिस सिगार शेप मैटर एज फिलामेंट विच वॉज मच थिकर इन द सेंटर एंड थिनर एट द सार्पेट्स एट द एंड,
यानी बेसिकली उसका कुछ ऐसा शेप, माफ करेगा ड्राइंग थोड़ी ख़राब है हमारी, यानी आप कह सकते हो कुछ उसका ऐसा शेप बना था जो कि आपका बेसिकली बीच में, आपका क्या बोलते हो, बीच में आपका मोटा था और किनारे किनारे आपका पतला था। आप इस फिगर में देख सकते हो, फिगर में आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यही शेप क्यों निकला। मतलब भैया मान लो ये आपका प्रिमिटिव सन हो गया, ये आपका इंक्लूडिंग स्टार हो गया, तो भैया सिर्फ ये सिगार शेप टाइप में शेप ही कि आपका क्यों निकला कुछ। भैया ऐसे ऐसे पॉइंट 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 ऐसा ही कुछ निकल सकता था, ऐसा ही कुछ शेप निकल सकता था, पर ऐसा शेप ही क्यों निकला उसको हम अभी देखते हैं। इस एग्जाम इससे समझते हैं, इस पॉजिटिव फिगर समझते हैं, ठीक। समझ लीजिए आपका प्रिमिटिव सन हो गया, ये आपका इंक्लूडिंग स्टार है। इसे हम तीन पोजीशन के नज़रिए देखते हैं। ये जो पोजीशन टू है, इस ये पोजीशन बताता है कि जो इंक्लूडिंग स्टार और प्रिमिटिव सन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे नज़दीक है, यानी इससे फिर नज़दीक कोई डिस्टेंस नहीं होगा इनके बीच में। और पोजीशन वन है जब आपका इस ग्रेविटेशनल फोर्स के में इनके एंटर करता है, ठीक। और तीसरा है जब आपके एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ छोड़ के बस जाने वाला होता है। जब पोजीशन वन पे ये रहता है तो कुछ आपका, यानी जाहिर सी बात है इनके जो बीच का वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस टाइम कम होगा, यानी यहाँ पे आपका कुछ छोटा सा या पतला शेप में आपका निकलता आउटर सरफेस पे उसका एक शेप बनता है। और जब आपका ये बीच में आता है, जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, तो आपका जो होता है वो ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा या एग्जर्ट करेगा इसके ऊपर, तो आपका जो, जैसा जानते हो, जब देखो मान लो ये कोई, ये आपका प्रिमिटिव सन हो गया, ये इंक्लूडिंग स्टार हो गया, ये पोजीशन वन, ये पोजीशन टू, ये पोजीशन थ्री। जब ये पोजीशन वन पे था तो ये इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या बोलते हैं आपका बहुत ही, क्या बोलते हैं, कम था। तो यहाँ पे छोटा सा शेप में आपका यहाँ जब कम शेप निकलेगा, यानी कि यहाँ कम मैटर निकलेगा, जब यहाँ पे बीच में रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का होगा, और जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में आपका मैटर निकलेगा, और जब फिर यहाँ पे दूर चला जाता है तो कम अमाउंट में मैटर निकलेगा। तो वही यहाँ पे होता है, जब दूर ही रहता है तो कम अमाउंट में पतला मैटर निकलता है, इस शेप में आपका मैटर निकलता है, ठीक। जब पोजीशन टू पे आता है तो कुछ ज़्यादा अमाउंट में निकलता है मैटर, तो आपका इसका शेप जो होता है वह बेसिकली कुछ इस तरह से हो जाता है। और जब फिर पोजीशन थ्री पे जब चला जाता है, इसको छोड़ के जाने वाला होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका निकलने वाला होता है, तो ये आपका फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एकदम कम हो जाता है, फिर ये आपका बीच जाके बाद में पतला हो जाता है, और कुछ ऐसा शेप आपका प्रिमिटिव सन से इजेक्ट हो जाता है, और जब ये छोड़ के स्पेस में वैनिश हो जाता है और ये जब आपका यहीं रह जाता है, तो ये आपके फिर प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूमने लगता है, ठीक। और प्रिमिटिव सन में ये याद ध्यान रखिए, प्रिमिटिव सन भी आपका रोटेट करता रहता है, और फिर ये जो आपका मैटर निकलता है ये इसकी फिर प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूमने लगता है, ठीक। और जब आपका ऐसा होता है तो आपको जो फिर जो मैटर निकलता है, जो फिलामेंट आपका निकलता है, वो क्या बोलता है, बाद में ठंडा पड़ने लगता है। जब ठंडा पड़ता है तो उनका जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, यानी उनका जो साइज होता है वो ठंडे पड़ने से सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने की वजह से दिस लेड टू द इट्स लेड टू ब्रेकिंग इट्स सेलुलर इन सेलुलर पीसेज एंड ईच पीस वॉज कंडेंस्ड टू फॉर्म वन सेपरेट प्लैनेट। और जब वो ठंडा पड़ता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है कई, मतलब कई मैटर में, कई कई पार्ट में, और उनमें फिर वही पार्ट आपके कई पीस में जो बनते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, वही आपके एक सेपरेट प्लैनेट बन जाते हैं। और दिस प्रोसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइन प्लैनेट। या नाइन प्लैनेट की इसलिए बात हो रही है क्योंकि इसमें प्लूटो को भी इंक्लूड किया गया है, पर प्रेजेंट टाइम में आपको प्लूटो को क्या बोलते हैं प्लैनेट नहीं माना जाता, ये भी ध्यान चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक। द फिलामेंट ऑफ इंसिडेंट ग्रेसियस मैटर अलाउड बिगर प्लैनेट टू फॉर्म इट्स इन मिडल पार्ट, यानी जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स आपके इस मिडल पार्ट में बनते हैं, और कुछ छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं वो आपके साइड में बनते हैं, ठीक। इसी तरह आपका फॉर्मेशन होता है प्लैनेट का, और मतलब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इनका जो जिम जिन का कहना था कि आपको जो प्लैनेट था इस तरह बनता है, और उसी सेम प्रोसेस से आपका भी जब प्लैनेट्स बन जाते हैं वो, तो उसी सेम प्रोसेस जब आपका प्रिमिटिव सन होता है वो बाद में जाके सन के एक्ट करता है, फिर वो सन जो होता है वो इन सारे प्लैनेट पे अपना फोर्स लगाता है, और फोर्स की वजह से आपके सारे क्या बोलते हैं सेटेलाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ तक आई होप आपको समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं फिर, जो द रेट ऑफ कूलिंग प्रिमिटिव इंसिडेंस इन गैसियस मैटर वाज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्लैनेट, यानी जो उनके ठंडे होने का रेट था, आपका जो मैटर निकला था उसमें से ब्रेक डाउन होने के बाद जो पीसेज निकले थे,
उनका जो ठंडे होने का रेट था वो उनके साइज पे डिपेंड था। द प्लैनेट्स जो आपका ग्रेटर मास के थे वो बहुत ही ठंडे 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 वो मतलब बहुत जो ठंडे हो रहे थे वो बहुत धीरे हुए, और जो आपके स्मॉलर प्लैनेट थे वो बहुत ही जल्दी ठंडे हो गए। पहले सेटेलाइट कंडेंस टू लिक्विड एंड देन टू सॉलिड फॉर्म विथ इन वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, जैसा कि आप जान रहे हो पहले वो गैसियस फॉर्म थे, और हम जानते हैं आपकी जब कोई चीज़ ठंडी गैस ठंडी पड़ती है तो पहले वो लिक्विड में आती है उसके बाद फिर आपका सॉलिड शेप में आती है। तो वही यहाँ दे रखा है कि जब के बड़े मास के प्लैनेट थे उनको बहुत ही समय लग गया सॉलिड शेप में आने में, और जो आपके छोटे 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 मास के जो प्लैनेट थे वो तुरंत ही आपके लिक्विड में से चेंज हुए और उसके बाद वो शॉर्ट पीरियड में ही आपके सॉलिड फॉर्म में आ गए थे। वेरी स्मॉल प्लैनेट्स वेयर कूल एंड कंडेंस सून सो नो मैटर कुड बी इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ड्यू टू टाइडल इफेक्ट एंड थस नो सेटेलाइट कुड बी फॉर्म, यानी जो आपके दिस इज वाई मर्क्यूरी वीनस एंड प्लूटो डू नॉट हैव एनी सेटेलाइट। ठीक, अब समझ गया मैं यहाँ से। अब हम जानते हैं कि बेसिकली आपके एविडेंस दे रखे थे इन फेवर ऑफ दिस हाइपोथेसिस, जो बेसिकली इस बुक को समझने आए हैं जो मैं आपको समझ सिंह की पढ़ा रहा हूँ वो इस टॉपिक को आप देख सकते हो, नहीं तो आप इस टॉपिक को स्किप करके आप सीधे इवोल्यूशन वाले टॉपिक पे जा सकते हो। ठीक, तो एविडेंस इन द फेवर ऑफ दिस हाइपोथेसिस बेसिकली ये बताता है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपका जो जेम्स चीन ने अपनी हाइपोथेसिस बताई थी और जो हम प्रेजेंट टाइम में उसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो मिलती जुलती हैं कि नहीं। फिर पहला आपका आता है शेप एंड ऑर्डरिंग ऑफ प्लैनेट। द फिलामेंट इजेक्टेड फ्रॉम प्रिमिटिव सन वॉज सिगार शेप्ड, इट वॉज थिक इन द मिडल पोर्शन एंड थिन एट द एंड, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। द प्लैनेट फॉर्म फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इंडेसेंट ग्रेसियस मैटर ऑफ द मिडल पोर्शन ऑफ द फिलामेंट वेयर बिगर इन साइज देन द प्लैनेट फॉर्म फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मैटर एट एंड टॉपिक एट। देखो थोड़ा इतना अंग्रेजी पढ़ने से बढ़िया, बेसिकली जो मैं बता चुका था आपका सिगार शेप में निकला था, बीच में आपके बड़े प्लैनेट्स थे और साइड साइड में छोटे प्लैनेट्स थे। तो अगर आप प्रेजेंट डे में आप देखोगे कि यही आपका सेम मिलता है कि बीच में आपके जो देखते हैं प्लैनेट्स जो आपके वो बहुत बड़े साइज में है, और जो सिनाई साइड में प्लैनेट्स जो बढ़ते हैं आपके वो छोटे साइज में हैं। फिर सेकेंड आता है आपका ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सेटेलाइट। तो अकॉर्डिंग दिस हाइपोथेसिस द सेटेलाइट ऑफ द प्लैनेट वेयर फॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड, थस देयर इज ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेटेलाइट अराउंड द प्लैनेट एज इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम, दैट इज स्मॉल वंस एट द एंड एंड बिगर वन इन द मिडल। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि जब कुछ सेटेलाइट जो बने थे जैसे मैं बता चुका हूँ इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो सेम प्रोसेस से बने थे जिस प्रोसेस से आपके प्लैनेट्स बने थे, तो मतलब उनके बीच में एक सेम अरेंजमेंट होना चाहिए था। कि और ये दिखता है भी आज के प्रेजेंट टाइम में प्लैनेट में कि जो आपके बड़े सेटेलाइट होते हैं वो साइड होते हैं, जो छोटे छोटे सेटेलाइट होते हैं नहीं माफ करेगा जो बड़े प्लैनेट होते हैं आपको बीच बीच में होते हैं, और जो आपके छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं वो आपके साइड में होते हैं, जैसा कि सेटेलाइट में हम भी देख सकते हैं। ये भी आपका एविडेंस मिलता था प्रेजेंट शेप में। और नंबर एंड साइज ऑफ सेटेलाइट अकॉर्डिंग दिस हाइपो, ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपके मैटर निकल चुके थे आपके जो बड़े प्लैनेट थे उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा ठंडे होने में, और जब आपके छोटे छोटे प्लैनेट थे वो बहुत जल्दी ठंडे पड़ गए, इसलिए आपके जो छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं उनके सेटेलाइट्स कम होते हैं, और जब आपके बड़े बड़े प्लैनेट होते हैं उनके सेटेलाइट आपके ज़्यादा दिखने में मिलते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी आप ये देख सकते हो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो। ठीक, प्लस आपका आता है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैनेट एक्सिस। According to James Jean, the planet were formed from the filament which was revolving around the sun. Thus, the planet of our solar system should also revolve around the sun in our present day solar system. All the planets are revolving around the sun in the same direction and also in the same orbital plane. तो इतना इंग्लिश आता हुआ समझ गए आप। James Jean also proposed that the rotational motion of the planet should also be in the same direction except Venus, Uranus, all the planets of the present day solar system. रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन एज देयर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। बेसिकली इसका कहना है मतलब ये हो गया कि जेम्स जी ने जैसे बताया था आपका जो प्रिमिटिव सन था वो पहले से एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, और जब आपका फिलामेंट जब निकला वो तो वो भी उसके चारों तरफ रोटेट करने लगा। वही हम आज सेम वही स्टोरी देख सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम में आपका वो सन चक्कर लगाता, सोलर सिस्टम का मतलब सन चक्कर लगाता, और हमारे सन के बाकी सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। तो कुछ आपकी यहाँ पे इनकी मिलती रहती थी हाइपोथेसिस। ठीक, अब देखते हैं कि बेसिकली जो जेफरी थे उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया था। अकॉर्डिंग जेफरी आपके उन्होंने कहा था कि बेसिकली आपके जो
प्लैनेट्स बने थे वो तीन बॉडी से बने थे। पहला उन्होंने नाम दिया था प्रिमिटिव सन, दूसरा नाम दिया था उन्होंने कंपेनियन स्टार, और तीसरे का नाम दिया था उन्होंने इंक्लूडिंग स्टार। उन्होंने कहा जब ये प्रिमिटिव सन क्या बोलते हैं था रोटेट करा था, जो कंपेनियन स्टार था वो यहाँ पे, तो फिर जो इंक्लूडिंग स्टार था वो बाद में आता है, इसकी उसका जो काम था वो डेस्टिन था कि वो कंपेनियन स्टार की तरफ जाके नज़दीक आएगा, और जब इसके नज़दीक आया तो इनके बीच में कोलिजन हुआ, और कोलिजन की वजह से ये हुआ कि इनके बीच में जब कोलिजन भैया साहब सीधी बात, जब कोलिजन होगा तो क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया कई कई पीसेज में, यही यहाँ पे लिख सकता है एकदम। तो द इंक्लूडिंग स्टार कोलाइडेड अगेंस्ट द कंपेनियन स्टार एंड ड्यू टू हेड ऑन कोलिजन कंपेनियन द कंपेनियन स्टार वॉज कम्प्लीटली स्मैश, यानी पूरी तरह से स्मैश हो गया था और सैटर्ड हो गया था। सम सैटर्ड पोर्सन वेयर स्कैटर्ड इन द स्काई वाइल रिमेनिंग डेब्रिस स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द प्रिमिटिव सन। हाउएवर द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन एंड एक्सप्लोजन इनेबल्ड द इंक्लूडिंग स्टार टू क्लियर इट्स सेल्फ ऑफ फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द प्रिमिटिव सन एंड ग्रेजुअली वैनिश्ड इन द यूनिवर्स। द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग डेब्रिस ऑफ द कंपेनियन स्टार। ठीक, अब बेसिकली भैया आते हैं हम इवोल्यूशन वाले पार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका, अकॉर्डिंग टू बी लेवलिंग का मतलब कहना था कि जो द यूनिवर्स इज इन्फिनाइट, जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरे स्पेस और टाइम में इन्फिनाइट में, मतलब जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक आपकी यूनिवर्स फैली हुई है। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि जो इनके बीच में दो स्टार के बीच में अनलाइकली क्लोज एनकाउंटर हो गया, तो उसका एक्सप्लेनेशन जेम्स जीन के पास नहीं था। बस उन्होंने बोल दिया था कि भैया ऐसे आ गया प्रिमिटिव सन और इंट्रोनिक स्टार, बस कोलिजन उनमें हो गया और नज़दीक उसके आगे कोलिजन नहीं हुआ, उसके नज़दीक से आया और गुजर गया। ऐसा क्यों हुआ भैया इतना बड़ा यूनिवर्स में, तो मतलब कुछ अजीब लगता है, अनलाइकली हो लगता है। तो ये बी लेविन का कहना था। फिर जेम्स जीन जो थे उन्होंने क्या बोलते हैं उसका जो आपका इंट्रूडिंग स्टार था उसका लोकेशन या डेस्टिनी, बस उन्होंने बोला था, नहीं बताया था। उन्होंने बेसिकली बोला था कि वो आपके नज़दीक आया, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए और चला गया। उन्होंने वो पाथ नहीं बताया, पाथ उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस पाथ से वो आया था, कैसे आया था, बस उन्होंने बोला था कि बस नज़दीक आया था। तो वो इसलिए फिर इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एन एन पारिस्की हैज़ प्रूव दैट द हाइपोथेसिस फेल्ड, दिस हाइपोथेसिस फेल्ड टू एक्सप्लेन द रियल डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इन आवर करेंट सोलर सिस्टम। यानी जो हमारे करेंट सोलर सिस्टम में सन और उनके प्लैनेट के बीच की दूरी है वो भी ये हाइपोथेसिस बताने में फेल हो गई थी। द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर लार्जली मेड अप एलिमेंट है, हमारे जो प्लैनेट सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं बेसिकली वो हाई एटॉमिक वेट से बने हैं, बट द हमारे जो सन के जो हमारे एलिमेंट देखते हैं प्रेजेंट टाइम में वो बेसिकली वो क्या बोलते हैं आपके लाइटर एटॉमिक वेट से बने हैं। तो भैया ये दिस टाइम तो बेसिकली ऐसा कैसे हो गया, जब जो कि आपको जो प्रिमिटिव सन से ही तो आखिर वो सारे पार्टिकल निकले थे, आपको जो मैटर निकले थे जिससे आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ था वो भी तो आपके सन से निकले थे। तो ऐसा कैसे हो गया कि बाद में जाकर वो हाई एटॉमिक के वेट के हो गए और जो सन था उसके जो मैटर थे वो लाइट में ही रह गए। तो इसका भी आपके टाइडल हाइपोथेसिस ये भी नहीं एक्सप्लेन करता था आपका। फिर आता है व्हाई नो सैटेलाइट वेयर फॉर्म फ्रॉम मरकरी एंड वीनस। ठीक, अभी सवाल आता है कि मरकरी और वीनस से क्यों क्यों सैटेलाइट क्यों नहीं फॉर्म हुआ था, क्योंकि क्यों नहीं फॉर्म हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं मरकरी वीनस सब सन की सबसे नज़दीक पाए जाते हैं, तो भैया सन जो होगा वो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल इन पर लगाना चाहिए था, सबसे ग्रेविटेशनल पुल लगाना चाहिए था। ठीक, द आर्ग्यूमेंट दैट स्मॉल प्लैनेट वर कंडेंस्ड टू फॉर्म सॉलिड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड हेंस देयर वॉज नो टाइम फॉर द इजेक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम दिस प्लैनेट डज नॉट अपीयर साउंड। यानी ये कुछ अजीब लगता है कि वीनस, देखो उन्होंने कहा था कि जो जब प्लैनेट फॉर्मेशन हो गया था उसी तरह सेटेलाइट फॉर्मेशन हुआ था, जो बड़े प्लैनेट थे वो धीरे धीरे ठंडे पड़ रहा था, छोटे छोटे प्लैनेट थे आपके क्या बोलते हैं बाद में जाके बहुत जल्दी, नहीं बाद में जाके नहीं बहुत जल्दी आपके चेंज हो गए थे। उन पर आपको जो वीनस है वो और मरकरी है उस पर तो भैया सन का सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लगना चाहिए था, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनमें ज़्यादा सेटेलाइट बनने चाहिए थे। पर ये जो आपकी उन्होंने जो स्टोरी में बताया कि बड़े प्लैनेट ज़्यादा धीरे ठंडे हुए और छोटे छोटे प्लैनेट बहुत जल्दी ठंडे हो गए, कुछ अजीब साउंड करता है, आप ही सोच के देखना है एक बार। ठीक,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप पे कोई क्वेश्चन है या डाउट है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि मेरे पढ़ाने तरीके में कुछ आपको इम्प्रूव करवाना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और प्रसिल पढ़ाने वाला हूँ। ये हाइपोथेसिस ये थोड़ी शॉर्ट में दे रखी है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये हाइपोथेसिस और सुपरनोवा हाइपोथेसिस मैं एक ही में इंक्लूड कर दूँ। यानी बेसिकली आपके अगले 3-4 लेक्चर में आपकी पूरी चैप्टर ये कवर हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।